एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रोजगारपुर पर। आज फिर मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ यशवंत सिंह में। यूपी के शासनिक एवं प्रशासनिक रचना करा रहे थे, उसी में आगे का पार्ट ये है। यूपी के चार योग कौन कौन से हैं? पहला है पूर्वांचल, दूसरा है मध्यांचल, तीसरा है पश्चिमांचल और चौथा है बुंदेलखंड। ठीक, ये हैं आपके क्या यूपी के चार बड़े योग। ठीक, उसके बाद में यूपी में वर्तमान में 17वीं विधानसभा कार्यरत है। वर्तमान जो है अभी जो चल रहा है, प्रेजेंट चल रहा है, उसमें कितनी है? 17वीं विधानसभा कार्यरत है। इसमें सर्वाधिक 42 महिलाएं, अब तक सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो कितनी है? 42 महिलाएं इसमें अब तक हैं, कार्यरत हैं, मतलब कार्य कर रही हैं। 342 सीटों के साथ भाजपा सरकार राज्य में कार्यरत। 342 टोटल सीट कितनी है भाजपा पर? 342 भाजपा पर 342 टोटल सीटें हैं। 342 सीटों पर भाजपा अपना कार्य कर रही है। 47 सीटों पर, कितने पर? 47 सीट के साथ सपा दूसरा ही सबसे बड़ा दल है। जो सपा है उस पर कितनी है? 47 सीट है और वो दूसरा सबसे बड़ा दल है। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला जो है वो है इलाहाबाद, जिसमें कितनी सीट है? 12 सीट। टोटल कितनी सीट मिलती है? 12 सीट। ये बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला जो है वो क्या है? इलाहाबाद, जिसमें कितनी है टोटल सीट? 12। सबसे कम जो सीटें हैं मिलती हैं वो कहाँ कहाँ मिलती हैं वो देखिएगा। श्रावस्ती, महोबा व चित्रकूट, इसमें सबसे कम सीटें मिलती हैं। प्रत्येक में दो दो सीट मिलती हैं। प्रत्येक में कितनी मिलती हैं? दो दो सीट मिलती हैं। यानी श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में, श्रावस्ती में भी दो मिलती हैं, महोबा में भी दो मिलती हैं, चित्रकूट में भी दो मिलती हैं। सबसे कम जहाँ सीटें मिलती हैं जो योग हैं वो कौन कौन से आपके? चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती। कितनी सीटें मिलती हैं? दो दो सीटें मिलती हैं। राष्ट्रपति शासन देखिए, राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है? 10 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। अब तक सर्वाधिक बार, अब तक सबसे ज्यादा बार, अंतिम बार 2002 में लगा था। अंतिम बार कब लगा था? 2002 में। 2002 में सबसे लास्ट में राष्ट्रपति शासन लगा था। इसी प्रकार से आपका यूपी के चार बड़े योग हुए। यूपी की वर्तमान 17वीं विधानसभा कार्यरत है। ये 342 सीट है, 47 सीट, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई है। आगे आपका यही शासनिक और प्रशासनिक का एक पार्ट पहले दिया था मैंने, ये दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट और है, फिर ये आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद में आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होगा इसी के अंतर्गत। आप लोग बने रहिए इसी के साथ, हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आगे भी आपको वीडियो मिलती रहे, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आगे वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।